जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारी जो हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज चल रही है उसी में आगे हम आज पढ़ेंगे समास के बारे में। समास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, वो भी टेस्ट सीरीज पर आधारित होंगे। आप निरंतर टेस्ट सीरीज पढ़ रहे हैं, लगा रहे हैं प्रश्न का उत्तर और आप अपना आकलन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी तरह से निरंतर वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। और जो भी हमारे नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको भी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वो क्या है कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो जल्दी से बताएं, आपने पढ़ा होगा, तो इसका सही जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास। क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समास के कितने भेद होते हैं, आपको पता होगा समास के भेद कितने होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है, किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, आपको पूर्व पद प्रधान बताना है, तो उत्तर हो जाएगा इसका अव्यय भाव समास का। अव्यय भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है ना, याद रख लेना। अगला प्रश्न है, किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, जल्दी से लिखें कमेंट में, किस समास का होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। इनमें से सभी द्विगु समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास तीनों के होते हैं। अगला प्रश्न है, किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, किस समास का दोनों पद अप्रधान होते हैं, किस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा इसका बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में कर्म तत्पुरुष समास नहीं है, आपको कर्म तत्पुरुष समास नहीं है बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धनवान, विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में द्विगु समास नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दशरथ पुत्र, विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में कर्मधारय समास है, उत्तर हो जाएगा इसका नीलकंठ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में द्वंद्व समास है, आपको द्वंद्व समास बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 1 जलवायु, जलवायु में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है, आपको बहुव्रीहि समास बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्रपाणी, विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में अव्यय भाव समास है, आपको अव्यय भाव समास बताना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, सही उत्तर जल्दी से बताएं, उत्तर होगा प्रतिदिन, अव्यय भाव समास है प्रतिदिन में, विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न है, सभापति का समास विग्रह होगा, सभापति का समास विग्रह बताना है, तो इसका आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभापति का समास विग्रह, सभा का पति, विकल्प नंबर 2। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, चिड़ीमार का समास विग्रह, चिड़ीमार का समास विग्रह करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, विकल्प नंबर 1 चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला चिड़ीमार का सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, गौशाला का समास विग्रह होगा, जल्दी से बताएं, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 गो के लिए साला, गो के लिए साला विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, जल्दी से बताएं बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, इसका सही जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 कमलासन, कमलासन इसका सही हो जाएगा, कमलासन में बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है, जल्दी से बताएं, कर्मधारय समास का उदाहरण आपको बताना है, सही जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 1 महात्मा, महात्मा में कर्मधारय समास होगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, यज्ञशाला में कौन सा समास है, तो यज्ञशाला में आपको जल्दी से बताना है,
जल्दी से कमेंट में लिख सकते हैं आप। विकल्प नंबर एक तत्पुरुष समास हो जाएगा इसका सही प्रश्न में, है ना। अगला जो प्रश्न है, यथासाध्य में कौन सा समास है, जल्दी से बताएं। यथासाध्य में आपने पढ़ा है कौन सा है, विकल्प नंबर तीन अव्ययीभाव समास। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है पंचवटी में कौन सा समास है, जल्दी से बताने कमेंट के माध्यम से। पंचवटी में कौन सा समास है, उत्तर हो जाएगा इसका द्विगु। द्विगु समास है, द्विगु समास आपने पढ़ा होगा। पंचवटी में कौन सा समास है, द्विगु। हिमालय में कौन सा समास है, जल्दी से बताएं। तो चार विकल्प में से एक का चयन करना है, उत्तर इसका सही हो जाएगा विकल्प नंबर एक संबंध तत्पुरुष। हिमालय में संबंध तत्पुरुष होता है ना। अगला जो प्रश्न है, तुलसीकृत में कौन सा समास है, तो तुलसीकृत में जल्दी से बताएं कौन सा समास है, उत्तर हो जाएगा दोस्तों तो तुलसीकृत है ना, कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा तुलसीकृत में, है ना। अगला प्रश्न है रोग मुक्त में कौन सा समास है, जल्दी से बताएं रोग मुक्त में कौन सा समास है, तो उत्तर हो जाएगा इसका अपादान तत्पुरुष। रोग मुक्त में कौन सा समास है, अपादान तत्पुरुष है। अगला प्रश्न है रसोई घर में कौन सा समास है, जल्दी से उत्तर आपको बताना है, इसका उत्तर हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। रसोई घर में संप्रदान तत्पुरुष होगा। अगला प्रश्न है आप बीती में कौन सा समास है, आप बीती में समास बताना है, जल्दी से बताएं कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर एक अधिकरण तत्पुरुष। आप बीती में अधिकरण तत्पुरुष है, कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष। तो हाथों हाथ में कौन सा समास है, जल्दी से बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा, हाथों हाथ में कौन सा समास है, तो विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा, हाथों हाथ में। हाथों हाथ में कौन सा है, अव्ययीभाव समास इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐसे पद जिनमें दोनों पद आवश्यक हों या एक दूसरे के विपरीत हों किस समास के अंतर्गत आते हैं, जल्दी से कमेंट में लिखना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, विकल्प नंबर इसका जिनमें दोनों पद आवश्यक एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो द्वंद्व समास इसका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर दो इसका सही होगा। एक दूसरे के विपरीत होते हैं और क्या होते हैं, दोनों पद आवश्यक भी होते हैं, तो इसका सही होगा द्वंद्व समास। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, उपमेय उपमान का संबंध किस समास में होता है, आपको बताना है तो किस समास में होता है, जल्दी से बताएं कमेंट में लिखें, उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर तीन कर्मधारय समास में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अधिकरण कारक में विभक्ति का लोप होता है, अधिकरण कारक आपने पढ़ा होगा कौन सी विभक्ति का लोप होता है, चार में से एक कमेंट में लिखना है, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक मैं पर। मैं पर जो विभक्ति होती है उसका लोप होता है अधिकरण कारक में। ठीक है, अगला प्रश्न है संबंध कारक में विभक्ति का लोप होता है, तो संबंध कारक में कौन सी विभक्ति का लोप होता है, उत्तर हो जाएगा का की विभक्ति का लोप होता है संबंध कारक में। अगला प्रश्न है कर्म कारक में विभक्ति का लोप होता है, जल्दी से लिखें कमेंट में, कर्म कारक में विभक्ति का लोप होता है तो कौन सी विभक्ति का लोप होता है, उत्तर इसका हो जाएगा को, विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा, कर्म कारक में विभक्ति का लोप होता है को। समास शब्द का अर्थ है, समास शब्द का अर्थ बताना है तो आपको पता ही होगा विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा, समास शब्द में संक्षेप है ना, समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप। जब प्रथम संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा द्विगु समास है ना, विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा, जब प्रथम संख्यावाची और दूसरा संज्ञा हो तो द्विगु समास। देशभक्ति किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, कौन से तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो जल्दी से बताएं देशभक्ति में कमेंट में लिखें फटाफट, इसका उत्तर हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, विकल्प नंबर तीन इसका सही हो जाएगा, देशभक्ति में संप्रदान तत्पुरुष होता है। अगला प्रश्न है किस समास में दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, विकल्प नंबर एक तत्पुरुष समास। दोनों शब्दों का समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है तत्पुरुष समास।